है गाइज आर यू एंड कल है क्रिसमस सो हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू अब ये क्रिसमस के डे एक रसम होती है आप लोगों को सबको पता होगा एक विश सॉक्स वाली चीज़ होती है ओके okay? बच्चों को तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है इस चीज़ को लेके कि एक सॉक्स हमें अपनी विशेज लिख करके उसमें बाहर हैंग करनी है एंड सांता आएंगे और उसको ब्लेस करके जाएंगे और वो विशेज़ हमारी मैनिफेस्ट हो जाएंगी राइट right. तो क्यों ना हम इस चीज़ को अपने अपने विशेज में एक दिन की बात है सिर्फ़ एक रात की बात है और यूज़ करें पूरे दिल से करें क्या कर सकते हैं हम इसके लिए इसके लिए हमें सिर्फ एक वे सॉक्स जो होता है एक रेड कलर का सॉक्स आपने देखा होगा मार्केट में हर जगह अवेलेबल है क्रिसमस के टाइम पे सब जगह मिल जाता है तो अगर आप लोग ला सकते हैं वेल एंड गुड है अगर नहीं जाना चाहते बाहर नहीं ला सकते हैं या एकदम से ऑल ऑफ अ सडन नहीं अवेलेबल है तो घर में ही डी करके आप लोग बना सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो बनाना बताते हैं कि कैसे बना सकते हो आप पेपर से भी बना सकते हो इवन बहुत सिंपल है ओके सो वो बना लीजिए ओके okay, और अगर घर में ही पहले से कोई सॉक्स पड़ा है तो उसको भी डेकोरेट करके नए सॉक्स को और उसको आप विश सॉक्स बना सकते हो आप वो देख लीजिएगा कि कैसे करना है अब इस विश सॉक्स से हम कैसे अपनी विशेज मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं हम कैसी अपनी विशेज लिखने जा रहे हैं और आ, क्या करना है वो सब कुछ मैं बताने जा रही हूँ सी एक तो ट्वेंटी फिफ्थ को हम सबको पता है जीजस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था सो so, वैसे ही बहुत डिवाइन डे है वैसे ही ऑल माइटी इज देयर ओके सो यूनिवर्सल पावर्स तो खैर है ही लेकिन जब और ये डिवाइन डेज आ जाते हैं बीच में तो हम में भी एक जोश आ जाता है और लगता है कि हाँ आज ये विशेज़ हमारी मैनिफेस्ट हो जाएंगी और सब कुछ है एंजल्स आर देयर ऑल माइटी इज देयर, पूरा यूनिवर्स भरा हुआ है और सब लोग इतना सेलिब्रेशन में लगेंगे तो सोचो कि पूरे Uh, जो हमारा जो सराउंडिंग है पूरे एनवायरमेंट में कितनी पॉजिटिव वाइब है कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन है जिस वाइब्रेशन के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं क्या कुछ नहीं कर रहे कि वाइब्रेशन हो हमारे आसपास पॉजिटिविटी हो सो इन डिवाइन डेज को इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानते हैं हम ठीक है जब भी, भी कोई इस तरह का डिवाइन डे होता है वो हमारे कोई पर्व त्योहार हो या क्रिसमस हो या कोई सा भी इन दिनों की बात ही अलग होती है ये जो यूनिवर्स में जो एनर्जीज फ्लोट हो रही है एंजल्स हैं बहुत पावरफुल सोल्स होते हैं उस दिन बहुत पावरफुल यू you नो know, पावर्स हैं सो so, हम भी ब्लेसिंग्स लेते हैं ना पूरे अच्छे से मन से अब क्या करना है हमें आप लोग क्या करोगे हमारी तो यही है कि हम जो विश में लगाते हैं तो सांता आके ब्लेस करते हैं राइट तो ठीक है ब्लेसिंग्स के लिए हम क्या करेंगे एक पेपर लीजिए वाइट कलर का और एक रेड कलर का पेन कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्लीज़ रेड कलर का पेन मतलब रेड कलर का पेन स्केच पेन ले लीजिए पेन ले लीजिए जो भी है बट रेड होना चाहिए ओके वाइट पेपर पे रेड कलर के पेन से आप सबसे पहले ऊपर हैप्पी क्रिसमस मेरी क्रिसमस जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे इसके बाद टू सेंटा ओके टू सेंटा या उसके नीचे टू एंजल्स ये लिखेंगे क्योंकि ये विश आप किसको लिख रहे हो ये विश हम सैंटा को लिख रहे हैं एंजल्स को लिख रहे हैं ये सब हमारे यूनिवर्स से हैं कनेक्टेड ठीक है तो आप टू सैटा लिख के टू एंजल्स लिख के इसके बाद वन टू थ्री फोर करके अपनी सारी विशेज लिख दीजिए रिलेशनशिप है वो लिख दीजिए हेल्थ uh, है वेल्थ है जॉब है स्टडीज है Uh, और भी जो भी विशेज हैं आप लोगों की वो सारी विशेज अपने फिजिकल अपियरेंस को लेके विशेज हैं लोगों की बहुत सारी की हाइट uh, बढ़ जाए वेट कम हो जाए वो सब वहाँ पेंड डाउन कीजिए ओके एक दो तीन चार पाँच करके सारा कुछ लिखने के बाद नीचे और सॉरी हर विश के लिखने के बाद तीन बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है हर विश के लिखने के बाद तीन बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है ये लिखते लिखते आप अपने विश को लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू से कंप्लीट कर रहे हैं ओके okay? आप ग्रेटफुल हो गए आपने इस आ, लेटर ये जो लेटर आप लिख रहे हो ये लिस्ट लिस्ट आप जिन्हें दे रहे हो अपनी विशेष की उनको आपने डिनोट कर दिया आप एंजल्स को दे रहे हो सांता को दे रहे हो उन्हीं का दिन है उन्हीं को देंगे हम यूनिवर्स को हमने उन्हीं से कनेक्ट किया ठीक है उनके लिए कर दिया अब इसको पेपर को फोल्ड कीजिए फोल्ड करके उस सॉक्स में डालिए सॉक्स में डाल के इस सॉक्स का क्या करना है आपको आपके घर में बाहर जो भी प्लांट होगा कोई भी प्लांट हर एक के घर में कोई ना कोई गमला पौधा लगा हुआ है प्लांट्स लगे हुए हैं उन प्लांट्स में जाके इसको आपको हैंग करना है ये काम आप रात को करेंगे रात को जाके इस सॉक्स को वहाँ हैंग कीजिए और उस प्लांट से जिस प्लांट पे आप ये हैंग कर रहे हैं क्योंकि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स हम सबको पता है प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स प्लांट्स सुनते हैं वो सांस ले रहे हैं सांसें हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं सब कुछ है जब हमें पता है हम उनके पास दे रहे हैं तो प्लांट्स की भी ब्लेसिंग्स हम इसमें डालेंगे आपको प्लांट्स से सिर्फ इतना बोलना है दीज आर माई विशेज प्लीज ब्लेस बस और कुछ भी नहीं बोलना उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल करके और आप वापस आ जाएंगे, इसको सॉक्स को वहीं रहने देंगे बाकी का काम यूनिवर्स का है डिवाइन एनर्जीज का है एंजल्स का है सांता का है ठीक है हमने अपनी चीजें उन्हें बता दी अपनी चीजें बता दी अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा जब ये विशेष आपने लिख दिए हैं तो विशेष को लिखने के बाद प्लीज इन सारे विशेष को ऊपर से लेके नी, नीचे तक जो भी विशेष आपने लिखे हैं सबको नाइन टाइम्स आपको पढ़ना है नाइन मतलब नाइन थ्री इज ऑलवेज फॉर बिगनिंग सिक्स इज फॉर गेनिंग मोमेंटम नाइन इज फॉर फिनिश डेस्टिनी ठीक है कि मिल गया वो चीज हमें इसलिए मैं बोल रही हूं नाइन टाइम्स आप उसे पढ़ेंगे नाइन टाइम्स पढ़ने के बाद उसे क्लोज करके उसमें डाल के और जो मैंने बताया प्लांट में लगा के आपको जो बोलना है वो आपको करना है ये आप करेंगे अगले दिन मॉर्निंग में वो सॉक्स आप उठा लीजिए वहां से उसको आप कहीं सेफ रखना चाहते हैं एज अ मेमोरी आप रख सकते हो अगर आपको है कि कोई देख लेगा मुझे डिस्पोज करना है तो उसमें पेपर ही है ना पेपर निकाल करके आप उसे ठीक है डिस्पोज कर दीजिए कहीं भी जो भी करना है आपको उस पेपर के साथ आप वो कर दीजिए ठीक है आपकी विशेज जिन्हें आपको भेजनी थी रात में एनर्जीज को देनी थी आपने जिसको डिनोट करना था वो आपने कर दिया आपका काम ख़त्म हो गया सो दिस इज गोइंग टू बी आर क्रिसमस सेलिब्रेशन फॉर आर विशेज हम अपने विशेज के लिए इस तरह से अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं कल ओके okay? सो so, सब लोग प्लीज़ मेक अ सॉक्स या फिर बाहर से लेके आओ सॉक्स जो भी करना है बट ये विशेज आप सबको लिखनी है सबको सॉक्स में डालनी है और इसको बाहर रखना है ठीक है सो अपनी अपनी विशेष के लिए तैयार हो जाइए रेडी हो जाइए एंड uh, बस विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू सो मच